रेट सबसे बढ़िया मार्केट में, मतलब मार्केट में लोएस्ट प्राइस गारंटी कर दूं क्या लोएस्ट वीडियो में? गारंटी, पूरी गारंटी है। मतलब अगर मैं अपनी वीडियो में बोल दूं लोएस्ट प्राइस गारंटेड तो गारंटी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं कार जोन पर, जहां पर हमारे पास है ये स्विफ्ट, जहां पर स्विफ्ट के अंदर जो मॉडिफिकेशन हो रही है वो है नॉर्मल सी, एंड दैट इज पावर विंडो। और अभी तो पावर विंडो की ही गुंजाइश है कस्टमर को, पावर विंडो के अलावा जो है ऐसा और कोई काम नहीं करा रहे हैं। पावर विंडो का जो प्रोसीजर है, रिले वगैरह डलती है ना भाई, इसमें जो रिले वगैरह डलेगी वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर जो पूरा पावर विंडो का इस टाइम सेटअप है, आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से पावर विंडो जो है इसके अंदर इंस्टॉल करी जा रही है, क्या क्या लगेगा वो हम अभी आपको दिखाएंगे इस वीडियो में ही। प्लीज़ इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं करा तो यार लाइक कर देना। व्हील कैप जो इसके अंदर लगाए जा चुके हैं कंपनी द्वारा ही, ये यहाँ पर नहीं लगे हैं, कंपनी से ही लग के आए थे। एंड यहाँ पर जो स्विफ्ट है, ये गाड़ी मॉडिफाई हो रही है। स्विफ्ट की मॉडिफिकेशन करोलबाग में सबसे ज़्यादा की जाती है, एंड अभी जो है पावर विंडो यहाँ पर ऐड की जा रही है। तो भैया आप हैं इस गाड़ी के ओनर, भैया क्या नाम है आपका? अंकित चौधरी। अंकित भैया कहाँ से हैं आप? फरीदाबाद। भैया फरीदाबाद से आप इतनी दूर आए सिर्फ पावर विंडो लगवाने? सीट कवर लगवाए हैं, सीट कवर और सीट कवर ऐड कराए हैं। सीट कवर और पावर विंडो बस ये दो काम कराने आप इतनी दूर से आए हैं, बाकी काम हो रखा है ना? ये तो बेस मॉडल है ना शायद? बेस मॉडल है। हाँ तो बेस में तो यार और कराना चाहिए था आपको, कराना चाहिए, बाकी जो बच रहा है वो सब हो जाएगा। हाँ। अपने आप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अभी जो बाकी बन रही है ना, अभी आराम से काम चल रहा है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। चलिए, जो हमारे भाई हैं कार जोन पर स्पेशली आए हैं फरीदाबाद से, ये हमारे सुबोध भाई, तो कैसे हैं सुबोध भाई? बढ़िया जी बढ़िया। पावर विंडो में क्या क्या मतलब कैसे कैसे काम कर रहे हैं? सब टॉप मॉडल बना रहे हैं, जो कंपनी से लगा था टॉप मॉडल ये लग रहा है जी। सारा कपलर टू कपलर सारा काम हो रहा है, कोई कटिंग पटिंग नहीं होगी वायर की? नहीं, कोई कटिंग नहीं होगा जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई ये हमारे सुबोध भैया हैं जिनका नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भैया के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, गाड़ी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी पावर विंडो लगाने का कोई तरीका जो आपको पता है अभी तक? ये है कि देखो पहले लो मोड कंपनी से लगा था, टॉप मोड हम बना रहे हैं इस गाड़ी को सिर्फ। नहीं, पावर विंडो में क्या क्या पार्ट लगता है? गत्ता लगेगा, कैंची लगा, स्विच लगेगा, वायरिंग सब जन बनता रहे। सुबोध भैया क्या रेट है इसका पावर विंडो का? 1400 में हम फिट करके देंगे, जो आपके थ्रू आएगा जो भी होगा हम कर लेंगे इस टाइम। तो भाई अगर आप लोग भी करोलबाग आकर अपनी गाड़ी को मॉडिफाई कराना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप कार जोन पर आइए, जहां पर आपको मिलेंगे हमारे सुबोध भाई। स्विफ्ट, बलेनो, स्कॉर्पियो, मतलब आप अल्टो से लेके मर्सिडीज तक कोई भी गाड़ी आप यहाँ पर ला सकते हैं, यहाँ पर मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, और मेरे थ्रू अगर आप आएंगे तो बढ़िया डिस्काउंट आपको दे देंगे हमारे सुबोध भाई। भाई ये बिल्कुल अपनी घर की जैसी दुकान है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भाई जो पावर विंडो है वो अभी ऐड हो रही है, फिर उसके बाद एक बार ऐड हो जाए तो उसके बाद हम आपको इसकी वर्किंग भी दिखा देंगे, वर्क करके दिखा देंगे। तो चलिए काम होने देते हैं। भाई आज हमारे साथ है रोहित भैया, इस वीडियो में जो है आ चुके हैं। भैया डिफरेंस बता दो दोनों गत्तों में। ये टॉप मॉडल लेटेस्ट आई पास में आती है, जो कि आपकी देख सकते हो पावर विंडो के फूड कटिंग होगी इसकी, और इसकी कार्बन फिनिशिंग आती है और एक सिल्वर फिनिशिंग आती है, जबकि ये लो मॉडल में बेस मॉडल आपको ये दिखेगी नहीं, बिल्कुल प्लेन दिख रही है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले दिखाया था अब ये बेस मॉडल का, कुछ भी नहीं था, ये फ्रंट का है और फ्रंट का दिखाया कुछ भी नहीं है, प्लेन है बिल्कुल। जबकि उसका देखो पूरी इसकी फिनिशिंग, इसकी देखो क्या दे रखा है, पूरी कुशनिंग के साथ ये दे रखा है, जबकि इसमें नहीं आता, इसमें बिल्कुल प्लेन आता है। तो पावर विंडो आप बाहर से करा सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, जो कंपनी वाले जो बोलते हैं वायर कटिंग ऐसा, तो आप पावर विंडो के साथ जो है रिले वगैरह सब डाल के देते हो? ए टू जेड कैंची हो गया, रिले वायरिंग हो गई, उसका स्विच हो गया, ये जो स्विच इसमें लगेगी ये टोटल स्विच है। हमारे पास टोटल स्विच का स्टॉक है, टोटल जेन्युइन है मारुति का, ये कोई आफ्टर मार्केट वाला चीज नहीं है। चलिए ठीक है, तो बैजिंग देख के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैजिंग पहले दिखाएंगे फिर काम बाद में करेगा, सर्टिफाइड हो गए फिर आप काम करवाओ। ओके, आए हैं पूरी मार्केट ट्राई करके मेरे पास आए हैं, फिर आप काम करवा रहे हैं। अभी उनका प्लानिंग और बन रहा है कि स्पीकर स्टूडियो जो भी है सिस्टम का काम कराने का, तो करवा रहे हैं। हाँ अभी मेरी बात हुई कस्टमर से तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि भाई एक काम करते हैं यार, इतनी दूर तो आए हैं, आपकी बात सुन के और ऐसा लग गया कि इतनी दूर आया था, पेट्रोल भी फूका और स्टीरियो नहीं कराया। तो भाई स्टीरियो स्पीकर्स का भी जो काम है वो इसके अंदर ऐड ऑन किया जा रहा है। स्टीरियो कौन सा लगा रहे हो? मेगासोनिक का 9 इंचेस वाला जो है लग रहा है विद फ्रेम। हाँ कपलर टू कपलर जो है इसके अंदर लग रहा है। फ्रेम ग्लॉसी लगाओगे या प्लास्टिक? वो जो नॉर्मल प्लास्टिक आ रहा है वही जो है इसके अंदर लगेगा। तो रोहित भैया इसके अंदर कौन सा जो है आप स्पीकर कंपोनेंट और कोई एक्सेल इंस्टॉल कर रहे हो? फ्रंट में JBL का कंपोनेंट लग रहा है और बैक में प्लेन लग रहा है JBL का। प्लेन मतलब? प्लेन नॉर्मल कंपोनेंट नहीं है वो, सिंपल कोई एक्सेल हुआ ना वो, तो एक्सेल हो गया जो कि JBL का ही है, लोकल नहीं है। और इसका मेगासोनिक का सिस्टम लगने वाला है, 232 है इसका लगने वाला है, 9 इंच में फ्रेम के साथ कपलर टू कपलर फिट होगी। आप जबकि जब साउंड वर्ड होगा सब कुछ हम आपको चेक करा के आपको टोटल चीज़ क्लियर करके देंगे आपको। और सीट कवर वगैरह लगवा रहा है भाई?
भैया का सीट को पहले पुराना लगा हुआ, वो कह रहे देखते विचार बनेगा ठीक है, नहीं तो ये कल बोल रहे हैं कल आएंगे, उनको टाइम ज्यादा हो रहा है, कह रहे मेरे को टाइम ज्यादा, ये पहले भटक गया मार्केट में सस्ते के चक्कर में, किसी ने फोन किया कि मैं आपको ये इतने का लगाऊंगा, आने का तो बोल रहे मेरे 2-3 हज़ार में फालतू ने बता दिया, चक्कर में भैया ने फिर मेरे पास आया घूम के, तो अभी सीट कॉर उनका प्लानिंग नहीं हुआ, सीट कॉर पर लग जाएगा, सीट कॉर मेरे पास है, सीट कॉर भी मैं आपको दिखा दूंगा, टोटल मेरे पास 3500-2200 से स्टार्ट आपको सीट कॉर मिल जाएगा, आप जितने रेंज तक ले लो, सस्ते 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 महंगे से महंगे। चलिए ठीक है, ओके रोहित भैया, मिलते हैं बाकी आपसे वीडियो के एंड में, जहाँ पर कस्टमर रिव्यू भी होगा और आपसे भी एक बढ़िया बातचीत हम इसमें करेंगे। हाँ बताइए, टोटल फिटेड है, 4 डोर का ये हो गया आपका, फ्रंट का आप यहाँ से भी अनलॉक ऑन कर सकते हो, इसमें आपका डमी पीस हम लगा के देंगे, अगर मिरर फोल्डिंग कराओगे तो यहाँ पे उसकी स्विच हम लगा के देंगे, लेकिन अभी इसमें भैया का क्या कॉस्ट आ दिया मिरर फोल्डिंग के, अंदाजा है कुछ आपको? 8,000-8,500 के समथिंग आपको वो कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, और इसमें अभी हम उनको डमी लगा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो प्लानिंग करके, अभी नहीं आए अभी फिर पावर विंडो का आए तो, लेकिन यार कुछ भी कहो ये कार्बन फिनिश लग रही है, ये कार्बन फिनिश जबकि बेस मॉडल वैसा कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल आता है, वो आप भी देखे थे मैंने दिखाया था आपको, और ये चीज़ पूरी स्विच के साथ फिट होकर देगा, टोटल जेनवन है, लोकल एक भी नहीं है जो बोलोगे लेकर, और ये सब कंपनी वाले हैं, टोटल मारुति सुजुकी का जेनवन बैजिंग के साथ आएंगे आप। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, अब गाड़ी, अब एक बात बताओ, ये बताओ गाड़ी लगभग कितनी देर में फाइनल कर रहे हो? भैया ये 4 बंदे लगे पड़े, 1 घंटे के अंदर में वो गाड़ी पावर विंडो वाली हो तो 1 घंटे से 1.5 घंटे बहुत हो गए लग के आपको फिट करके आपको। नहीं नहीं, ये वाली गाड़ी आप कितनी देर में क्लियर कर रहे हो मेरे को? 1.5-2 घंटे लग जाएंगे काम करने में। अच्छा, टोटल हो रहा है, टोटल काम लड़के लगे पड़े, टोटल इधर फोक लाइट की, इधर वायरिंग रिले वायरिंग डल रही है। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि भैया का प्लानिंग बना फोक लाइट डालना है तो फोक लाइट का बोलगा, और ये जो फ्रेम मैं डालूंगा, हाँ ये भी ब्रांड मतलब मारुति सुजुकी का ही डालूंगा, मारुति जेन्युइन एमजी जो आएगा। मारुति सुजुकी का जेन्युइन एक्सेसरी है और ये फोक लाइट की ये है, देखो आप पूरी जेन्युइन है, टोटल आफ्टर मार्केट नहीं आप देख सकते, और अगर किसी को लीवर भी लगवाना है तो लीवर भी हम ब्रांड का आपको देंगे, अगर बेस में ये लग के नहीं थे टॉप में ZXI लग के तो हम सिल्वर वाला ये लगा के देंगे लो, बिल्कुल मारुति का, ये भी लोकल नहीं है आफ्टर मार्केट, टोटल ये है ओरिजिनल है। ठीक है, बाकी आप ओके ओके ओके, तो भाई ये कुछ काम है जो इसके अंदर कवर अप किया जा रहा है, बाकी स्विफ्ट आप चेक कर ही सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है यार, सबसे ज़्यादा मॉडिफाई कार में यही आती है, सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन इसी गाड़ी की होती है। चलिए गाड़ी को रेडी होने देते हैं, फिर आपको सुनवाते हैं इसका साउंड सिस्टम, ऑडियो आउटपुट और पावर विंडो, फॉग लाइट वगैरह सब कुछ इसमें हम जो है लास्ट में कवर करने वाले हैं, तो बस इसके बाद मिलेंगे हमने लास्ट शॉट में, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो रोहित भैया या सुबोध भैया या मैं आपको बता देंगे। तो भाई ये जो स्विफ्ट आपने देखनी थी ये हो चुकी है रेडी, एंड स्विफ्ट में जो हमने काम किया है वो किया है, इंटीरियर भी हो चुका है, इंटीरियर में क्या किया है, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ गत्ता चेंज हुआ है, पिलर पे गत्ता चेंज हुआ है, उसके साथ पावर विंडोज़ लगी हैं जो कि चारों वर्किंग है, मतलब अभी आपको मैं दिखाता हूँ उसका काम, एंड अभी जो है यहाँ पर क्या इंस्टॉल किया जा रहा है भैया, ये गत्ता ही सेट हो रहा है यहाँ पर भी, गत्ता सेट हो रहा है, और बाकी अगर हम आगे की तरफ देखेंगे तो भाई आगे की तरफ इसमें फॉग लैंप्स जो हैं इंस्टॉल कर दिए गए हैं, तो इंस्टॉलेशन आप चेक कर सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है स्विफ्ट, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक काम जो इसके अंदर किया गया है, फॉग लैम्प बना दिया है, बाकी अगर हम अंदर की तरफ देखें तो भाई यहाँ पर जो है डमी जो है लगाया जा रहा है, ये जो है लग गया है यहाँ पर डमी, ये शीट उतरेगी भैया वाइट वाली? नहीं ये, अच्छा अच्छा ये ऐसे ही है, तो यहाँ पर ये लॉक अनलॉक फंक्शन प्रॉपर कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं, बाकी ये देखो आप, एक सेकंड देखो, इस काम को करने के लिए रिले लगती है मेन, हाँ सब इसकी वायरिंग डलती है, ऐसे नहीं होते तो ये यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं, एक बार की मिलेगी गाड़ी की हमें प्लीज, तो भाई ये गाड़ी की चाबी हमने ली है और इसको हम जो है इतना करके ये देखो ऑटोमेटिकली ये जो है विंडो डाउन हो रही है, तो मैंने ऑटो पे डाल दिया था, अच्छा ऑटो डाउन है बस, ऑटो अप नहीं है, ऑटो अप नहीं है, ये देखो ऑटो डाउन है ये वीडियो, और ये जो पावर विंडो है, बाकी वहाँ की भी अगर आप विंडो देखें, अगर रियर की भी आप जो है विंडो देखें तो भाई चारों पावर विंडो वर्किंग है, एंड यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से काम कर दिया गया है, बाकी अगर हम चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ तो भाई अंदर की तरफ जो रहा है सीट को अपने हिसाब से करते हैं एडजस्ट, एंड यहाँ पर जो है करते हैं गाड़ी का डोर बंद, भाई भाई ने एक काम जो नहीं कराया वो है इसके जो अंदर वाला ये जो मैकेनिज्म था ये बदलवाना चाहिए था, ये क्रोम लगवाना चाहिए था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर स्क्रीन ऐड करी है मेगासोनिक की, और उसके बाद JBL के जो है इसके अंदर स्पीकर्स ऐड करिए हैं भैया ने हमारे, इसको जो है फिट कर लेते हैं ऊपर करके, यहाँ पर जो है इसे फिट कर लिया, एंड भाई को बुलाते हैं एक बार गाड़ी के अंदर ताकि
एक रिव्यू भी हो जाए। भैया एक बार प्लीज गाड़ी के अंदर आ जाइए। भाई अभी जो है हम इसका साउंड टेस्ट करने वाले हैं। जो हमने साउंड टेस्ट इसका कर लिया गया है हमारे द्वारा, बढ़िया लगा, मतलब मेरे को तो परफेक्ट लगा। आपको कैसे लगा अंकित भैया? तो भाई ये जो है अंकित भैया हैं जिन्हें आपने पहले वीडियो में देखा, ये हमारी गाड़ी के, ये जो स्विफ्ट कार है इसके ओनर हैं। तो भैया कैसे आपको कार जोन के बारे में पता लगा? मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उससे पता चला। आपने मेरी ही वीडियो देखी थी? तो कब देखी थी आपने मेरी वीडियो? अभी 4-5 दिन पहले देखी थी। और आप यहाँ पर जो है काम कराने मेरे थ्रू आ गए हैं ना, तो बहुत बढ़िया भैया। अच्छा ये बताइए काम कैसा लगा आपको? काम एकदम जेन्युइन है। और रेट? भाई हमारा एक कस्टमर रिव्यू है जो कि पूरी करोलबाग मार्केट में आप हो आए हैं, मतलब आप ये मानिए मैं नाम नहीं लूंगा किसी शॉप का, पहले रेट ट्राई किए हैं तब यहाँ पे आए हैं। अच्छा रेट जिस पे आपने ट्राई करा वो स्विफ्ट के किंग है, मैं आपको एक और बात बता दूं। हाँ रेट उनके काफी ज्यादा है यहाँ से। नहीं जो मैं बस आपको मैं नाम नहीं ले सकता ऐसे, बट आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने और भी वीडियोस देखी होंगी यार? काफी देखी मैंने वीडियो, काफी देखी है, काफी देखी है। हाँ तो आपको सबसे ज्यादा मतलब यहीं पे रेट जेन्युइन लगे? रेट जेन्युइन, जेन्युइन एकदम। प्लस काम? काम एक नंबर। पावर विंडो के क्या है वो है? 14,500। नहीं वो तो प्राइस है, मतलब आपको काम कैसा लगा पावर विंडो का, वर्किंग कैसी है? वर्किंग एकदम बढ़िया वाली है, ये देखिए आप, पता लग रहा है कि आफ्टर मार्केट है। नहीं कोई नहीं बता सकता ये आफ्टर मार्केट है, कोई नहीं बता सकता। प्लस कार्बन फिनिश मिल गई गत्ते में आपको। अच्छा और स्क्रीन का जो आउटपुट वगैरह है सब एकदम बढ़िया चल रहा है, जेन्युइन जेन्युइन। बाकी स्पीकर्स जो इसके अंदर ऐड करे हैं कंपोनेंट्स और कोएक्सियल बूस्ट का, क्या साउंड सिस्टम आपको समझ आया? साउंड अच्छा है, बहुत बढ़िया वाली, बढ़िया है, मतलब आप 100% सेटिस्फाइड हैं? 100%। तो आप फरीदाबाद से आके, मतलब अब आपको लग रहा है कि हाँ सेटिस्फाइड हूँ मैं, है ना? मेरी बात आपने, अब आने का फायदा हुआ। चलिए बहुत बढ़िया लगा अंकित भैया आपसे बात करके। बाकी मिलते हैं अगली बार जब आप आएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस अपनी गाड़ी के लिए भी और मॉडिफिकेशन के लिए भी। तो चलिए भैया बाहर चलते हैं और फिर बातचीत करते हैं आपसे। ये जो स्विफ्ट है जिस मैंने अभी आपको दिखाई है पूरी जो है रेडी हो चुकी है, एंड इसमें जो काम था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ऑलमोस्ट का डन ही हो चुका है, बस अब बिलिंग की बारी है। फॉग लैंप्स अंदर जो है, इसकी स्टीरियो, स्पीकर, पावर विंडो, चारों चीज़ें जो हैं परफेक्टली इसमें लग चुकी है। बाकी अगर आपको भी कोई काम कराना है तो यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट एंड कम टू द कार जोन, जहाँ पर आपको सुबोध भैया एंड रोहित भैया मिलेंगे। मेरा नाम लेते ना अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।